बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोंगरे की रेसिपी बताऊंगी कि मोंगरे की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। इनको बॉईल करके तो कूट भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया, या वैसे भी बॉईल ना करें तो ऐसे ही काट लें, कूट लें। तो 2 अदद मैंने टमाटर लिया, इनको भी बारीक काट लिया। 1 अदद प्याज लिया, इसको भी बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक है, इसका पेस्ट बना लूँगी। हरी मिर्चें ली हैं, इनको काट लिया। छोटी प्याली मटर लिए हैं, ग्रीन कोरिएंडर है, इसको काटा। 2 अदद मैंने आलू लिए हैं। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, तो इसमें पहले हम मोगरे फ्राई कर लेते हैं। मोंगरे हमारे फ्राई हो रहे हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। कटी हुई अब इसमें ग्रीन चिली डाल देते हैं। कटी हुई टमाटर, आलू अब इसमें डाल देते हैं। अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। जीरा ग्राइंड किया हुआ ब्लैक पेपर है इसमें। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मिक पाउडर हंसते ज़रूरत, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टेबल स्पून। मसाले जो हैं अपनी मर्जी से भी आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ऐसे हमारी सब्जी तैयार हो रही है। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। इनमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि आलू मटर और मोंगरे जो हैं सही गल जाएं, तो इनको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मोंगरे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब एंड में इसका जो लेमन है इसका रस डाल देते हैं। हाँ जी,
फ्रेंड्स, आज की हमारी मोगरे की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।